आप और हम सब लोगों को पता है कि किस तरह से पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश भर में आदरणीय पायलट साहब को सुनने के लिए देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग उमड़ पड़ते हैं। और मैं तो पायलट साहब से कहना चाहूंगा कि इस 2023 का आगाज करने का मौका और बीड़ा उठाने का मौका आपने हम लोगों को दिया, तो मैं पूरे भरोसे के साथ कहना चाहूंगा कि नागौर का और मारवाड़ का किसान आपके साथ हमेशा से डटकर खड़ा रहेगा। जहां भी जरूरत पड़ेगी नागौर का किसान आपके साथ मिलकर खड़ा रहेगा। साथियों, समय की जरूरत है कि आज हम सब लोगों के बीच में पायलट साहब सरीसे नेता है, जिनको सुनने के लिए देखने के लिए आप सब लोग देख रहे हो कि किस तरह से लाखों की संख्या में हजारों की संख्या में लोग उमड़ कर आते हैं। मैं तो आप सब लोगों के बीच में आज इस वीर तेजाजी की धरती से यही कहना चाहूंगा कि नागौर का हमेशा से पानी ऐसा रहा है पायलट साहब कि हम या तो कोई ने तो माना को नहीं, हर जगह ने अगर ने तो मान लिया तो भी को लार छोड़ा को नहीं, बिना जगह मुकाम पर पहुंचनो है भी मुकाम पर पहुंच आर छोड़ा। क्योंकि नागौर को किसान अगर सीऊ भी सरक जावे खेत की तो जेली रोप दे, तो ये बात को दोनों हाथ खड़ो कर भरोसा दिला दियो कजर पायलट साहब ने जरूरत पड़ ली तो बॉर्डर के ऊपर नागौर का किसान ने राख जो। तो आज आप सब लोग अति संख्या का माने पधारे हो, मैं तो आप सब लोगों ने आई कहना चाहूं कहता मोटा प्रोग्राम के मान नागौर के मान करना धन्यवाद देवा को मौको कौन मिलो पायलट साहब ने। मैं गरीब परिवार का लोग, किसान परिवार का लोग, साधारण परिवार का लोग माने राजस्थान की विधानसभा में कौन भेजे? क्योंकि जब मैं टिकट मांगता तो बड़ा बड़ा नेता कहता क्या कोई ट्रेन की टिकट चाहिए जाएगी, कहता कौन कहता। लेकिन पायलट साहब मन मुकेश जी नटो टिकट देर भेजी और आज मैं आई बात को गवाही देवा सब लोगों ने का जना भी जरूरत पड़े ली पायलट साहब ने आगे भी थाका दम पर मांगवा के सागे खड़ा रिया। और आज पूरा भरोसा दिलाऊं कचना भी जरूरत पड़ सी पायलट साहब ने और हमारी पार्टी ने मैं वाके साथ में पूरा कंधा कंधों मिलार खड़ा रहे। आज आप सब लोग पधारे हो मन बड़ो अच्छो महसूस हुई हो पातला 7-8 दिन के मान पायलट साहब में आप सब ने बताना चाहूं क्या अगर कोई नेता के लिए प्रोग्राम करे या किसाना के लिए कोई प्रोग्राम करे तो नेता ने बहुत जोर आवा है भीड़ करवा के मान। लेकिन जटा भी मैं फोन करो और जटा भी मैं पीला चावल बांटवा गया एक आदमी की योजना अगलो की साहब ट्रैक्टर भर ले रहा छू कई कर ले छू ट्रैक्टर भर ले रहा छू और किसान कौम की पहचान है ट्रैक्टर। तो आज ही तेजाजी की धरती पर आप सब लोग अटे पधारे हो तो मैं आप लोगों ने भरोसा दिलाऊं क्या मैं हमेशा आप लोगों का एक इशारा पर चाल वाला आदमी हूं। और नागौर को किसान और मारवाड़ को किसान अगर तय कर ले क्या की दिशा में चालनू है तो ये प्रदेश की राजनीति भी दिशा के मान चाले चले कौन चले बताओ। तो आज आप सब लोगों ने मारी तरफ हूं और मंच की तरफ हूं बहुत बहुत धन्यवाद दू और पायलट साहब को मैं अभिनंदन करूं कहते किसानों संवाद करवा आया हो क्योंकि मैं साहब के साथ में रहूं तो साहब कई बार बात करया करे कि यार अगर जनता अपन वोट देवे 5 साल में बी के बाद में बाकी खातर का ही करा आप। लेकिन पायलट साहब को हमेशा स्वभाव रही है क्या कार्यकर्ता का सुख दुख का मान हाजिर रहे चाहे गाड़ी का मान कताई घंटा बंद चालनू पड़े लेकिन आपका आदमी की खातर चाहे सर्दी हो चाहे बारिश हो चाहे गर्मी हो हर जगह हर मोर्चा के ऊपर आपका कार्यकर्ता के लिए खड़ा रहे हुए भी कोई नमूनू है का आज अतः लोग पायलट साहब ने सुनबार देखवाया है। आप सब लोग पधारे भी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूं। राम राम।